नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में हैप्लोइड सेल्स और डिप्लोइड सेल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और समझेंगे कि कैसे हैप्लोइड सेल डिप्लोइड सेल से डिफरेंट है और इनका क्या उपयोग जेनेटिक्स के टर्म में हम लोग करते हैं। हैप्लोइड सेल्स कहने का मतलब क्या है? ओनली वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम्स। और डिप्लोइड सेल्स कहने का क्या मतलब है? दो कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम्स। हैप्लोइड सेल्स में आप देख सकते हैं कि ईच क्रोमोजोम्स का एक ही कॉपी है और दिस थ्री आर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। डिप्लोइड सेल्स में दो कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम्स होते हैं और इन दोनों को होमोलोगस क्रोमोजोम्स बोलेंगे, मतलब थ्री पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। और ये जो दो कॉपी आया है, एक मदर से आया और एक फादर से आया है। तो इस तरीके से ये डिप्लोइड सेल्स होंगे। डिप्लोइड सेल्स में हमेशा दो कॉपी ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। जैसे प्लांट हाइट की बात करें तो या तो दोनों पर कैपिटल टी या दोनों पर स्मॉल टी या एक पर कैपिटल टी और एक पर स्मॉल टी मौजूद हो सकते हैं और दोनों मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। जबकि हैप्लोइड सेल्स में ओनली वन कॉपी ऑफ जीन होते हैं और वही कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। इन बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स जनरली में एक कॉपी ऑफ ही जीन्स होते हैं, जबकि ह्यूमंस में प्लांट्स में इन जनरली दो कॉपी ऑफ जीन्स होते हैं। जितने भी मेंडेलियन जेनेटिक्स होते हैं उसमें डिप्लोइड सेल्स पर ही लागू होते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, तो दो क्रोमोजोम से आपस में इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट कर सकते हैं। रिकम्बिनेशन हो सकता है। ये सारी चीजें हैप्लोइड सेल्स में नहीं होती है। हैप्लोइड सेल्स में मेंडल जेनेटिक्स लागू नहीं होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट इसमें नहीं होता है। अब देखते हैं कहने का क्या मतलब क्या है कि डिप्लोइड सेल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। डिप्लोइड सेल्स अगर माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करें, माइटोसिस के तरह, तो बिल्कुल दो डाउटर सेल्स बनाएंगे जो सिमिलर इन कम्पोजिशन होगा। सिमिलर इन कम्पोजिशन मतलब क्या, कि दोनों क्रोमोजोम्स बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे। लेकिन यही डिप्लोइड सेल्स अगर माइटोसिस करते हैं तो हैप्लोइड सेल्स का निर्माण करते हैं और बेसिकली गैमिट फॉर्मेशन में डिप्लोइड सेल्स हैप्लोइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वही गैमिट आपस में फ्यूज होके डिप्लोइड सेल्स का निर्माण करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो। अपना कमेंट या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कमेंट हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।